मैं तरन सबरवाल शेर पंजाब आइसक्रीम से 40 साल से जुड़ा हूँ। मेरे फादर साहब ने स्टार्ट करी थी कोटा राजस्थान में और मेरे को 22 साल हो गए उनके साथ, जो उनके साथ में काम कर रहा हूँ। मैं कुल्फ़ी फलूदे के लिए ही फेमस हूँ और मैंने अभी नया स्टार्टअप लिया है शेर पंजाब आइसक्रीम में, जो आइसक्रीम जिलाइटो नेचुरल्स में बनती हैं। मुझे इसका ज्ञान नहीं था तो मैं इसके लिए यहाँ आया और मैंने यहाँ पर आके वाकई में जो मैंने यहाँ से हासिल करा है, मैं अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बोलूँ तो अगर जैसे मैं कर रहा था पुराने टाइम से, जो मेरे फादर साहब ने मुझे बताया कि इसमें इतना डलेगा इसमें इतना डलेगा, तो मैं वही कर रहा था। लेकिन एक्चुअल फंडामेंटल्स मेरे संदीप सर ने ही बिल्कुल सही क्लियर करवाए हैं कि एक्चुअली होता क्या है आइसक्रीम बनाने की। तो कोई भी किसी भी तरह बना देगा, लेकिन एक्चुअल संदीप सर ने जो सिखाया वो वाकई में बहुत लाजवाब था और वो आगे मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है मदद करेगा और मुझे आगे बढ़ाएगा। तो वो जो टेस्ट था जो आप फलूदे में और उसमें दे रहे हैं, आइसक्रीम का जो ये ट्रेनिंग रहा है आपका 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन के बाद में, हम लोग चाहेंगे कि वही किस वे में आप जो है आइसक्रीम में अपना नाम कमाने वाले हैं, हम वो भी सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं जाते से इस चीज़ का पूरा नया जो मैंने यहाँ फार्मूले सीखे हैं उसी के आधार पे ये चीज़ सारे नए प्रोडक्ट बनाऊंगा। कम से कम 15 से 20 फ्लेवर मैं सोच के जा रहा हूँ कि मेरे को जाते ही से रन करने हैं, और इसके लिए जो मुझे थोड़ी बहुत जो मशीनों की प्रॉब्लम्स होंगी वो राजू भाई से या और जिससे भी होगा उनसे करके मैं उसमें अपनी उनकी हेल्प लूँगा। लाइक आप बता रहे हैं कि आपका ये जो बिजनेस है वो पैरेंटल बिजनेस है, फादर साहब से जो है आपको मिला है जी, तो काफी टाइम जो है आपके फादर साहब ने भी दिया है और आप भी इस बिजनेस को नरिश करने में जो है अपना डेफिनेटली 100% दे रहे हैं। तो इतना साल निकालने के बाद में आपको ये जो 3 दिन का ट्रेनिंग है, कई सारे ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर्स को लगता है कि हम काफी टाइम दे चुके हैं और हमें सब कुछ आता है, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सीख के जा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, ज्ञान ऐसी चीज है जो जितना मिले उतना बटोरो, मेरा तो सिंपल सा फंड है कि ज्ञान जहाँ से मिलता है वहाँ से लो, ज्ञान की कोई एज नहीं होती, लेना ही चाहिए। और जो मैंने यहाँ सीखा है वाकई में वो सही सीखा है कि एक्चुअल चीज़ क्या होती है वो सीखा मैंने। 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको जो है कंसेप्चुअल SOP सिखाया गया है आइसक्रीम इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि इनिशियली आपको हर मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करना चाहिए, साथ के साथ आपको लेबोरेटरी का भी एक बेसिक से लेकर के एक इनिशियल जो स्टार्टअप लेवल का होता है एज ए मैन्युफैक्चरर्स को पता होना चाहिए वो भी सिखाया गया है। तो एज ए मैन्युफैक्चरर्स आप इतने टाइम से लेबोरेटरी का यूज नहीं कर रहे थे, और अगर आप इसके बाद में जो लेबोरेटरी पार्ट आपको सिखाया गया है उसका यूज करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स है जो एक मैन्युफैक्चरर को मिल सकता है? सर बिल्कुल, ये लेबोरेटरी वाला पार्ट मेरे लिए सबसे बढ़िया था जो मैंने आज तक नहीं करी, और जाते से सबसे पहले लेबोरेटरी का काम स्टार्ट करूँगा और वही एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके उसी को फॉलो करूँगा आगे, और ये होना ही चाहिए, कोई भी हो चाहे स्मॉल स्केल का हो चाहे कोई भी हो, लेकिन लेबोरेटरी पहले। जैसे कि सर ने बताया कि सबसे पहले जो बड़ी कंपनी होती है वो पहले लेबोरेटरी स्टार्ट करती है उसके बाद अपनी फैक्ट्री को आगे रन करती है, तो वैसे करना भी यही चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके बेचमेट्स भी हैं जो लोग नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे लोग भी होंगे जो आना चाहते होंगे, ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जी सर आना ही चाहिए और बहुत सही है, अगर आएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। दो शब्द इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए और मिस्टर संदीप के लिए जिनका सफर आपके साथ 3 दिन तक रहा है, हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे। सर बहुत जोरदार रहा, आप तीनों ने बहुत ही मेहनत करके हमको कहीं ना कहीं 3 दिन में एक लेवल पे लाके खड़ा कराया, तीनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू वेरी मच, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और हम लोग जब नेक्स्ट टाइम कोटा आए तो शेर पंजाब का जो है डेफिनेटली आप इतना जो है सेपरेट कर दें आइसक्रीम की, डेफिनेटली जब रेलवे स्टेशन पे हम उतरे तो हमें सबसे पहले शेर पंजाब आइसक्रीम दिखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।